भीमराव सतपाल बचपन के तालीम सताना के स्कूल में हासिल करना चाहते थे, लेकिन उस ज़माने में जात पात भेदभाव इतनी ऊंचाई पर था कि तालीम हासिल करना तो दूर की बात, पानी पीने के लिए भी नीचे जमात के लोगों को बुरा समझा जाता था। भीमराव सतपाल को स्कूल में सब बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें अलग थलग बिठाया जाता। भीमराव सतपाल ने इन तमाम ज़्यादतियों को, इन तमाम बुराइयों को बर्दाश्त किया। वो जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम बुराइयाँ, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। भीमराव सतपाल ने अपनी बचपन की तालीम वहीं पर हासिल की। उसके बाद ऊंची तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लिस्तान गए, बाहर के मुल्क इंग्लिस्तान गए। वहाँ से आला तालीम, अच्छी ऊंची तालीम हासिल करके हिंदुस्तान वापस आए। वापस आए तो देखा अभी तक यहाँ पर भेदभाव और जात पात, किसी को अच्छा समझना, किसी को बुरा समझना अभी तक शुरू है। भीमराव सतपाल ने इरादा किया कि अब मैं अपने इल्मों की बुनियाद पर और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर मैं समाज से बुराइयों को ख़त्म करूँगा। उन्होंने ठान लिया। उस ज़माने में दलित लोगों को और नीचे जमात के लोगों को मंदिर में जाने की, इबादत करने की इजाज़त नहीं थी। भीमराव सतपाल ने इन तमाम बुराइयों को ख़त्म करने का इरादा किया। उनकी हिम्मतों से, उनकी कोशिशों से, उनके इरादों से तमाम बुराइयाँ ख़त्म हुई। मंदिरों में दलित लोगों को जाने की इजाज़त मिल गई, कुछ जाने लगे। इसी तरह औरतों को तालीम का रिवाज शुरू किया गया। भीमराव सतपाल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से पुकारे जाने लगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक बहुत ज़हीन, अकलमंद और हिंदुस्तान के कानून को जानने वाले इंसान थे। उन्होंने उच्च तालीम हासिल की थी, इसलिए उनका ख्याल था कि समाज तरक्की उसी वक्त कर सकता है जब वो तालीम हासिल करे। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जगह जगह स्कूल कॉलेजेस शुरू करवाए ताकि तालीम के ज़रिए से हमारे मुल्क को तरक्की करे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कानून के जानने वाले थे, इसके लिए कानून बनाते वक्त उनको याद किया गया और कानून बनाने की कमेटी का उन्हें सदर बनाया गया। दस्तूर साज असम्बली, दस्तूर साज मजलिस के वो सदर बनाए गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी कुर्बानी की वजह से हिंदुस्तान को आगे करने की फिक्र में थे। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनतें, उनकी कोशिशें ज़ाया नहीं गई। आज हिंदुस्तान में पढ़ने का रिवाज आम है। दलित लोग और नीचे जमात के लोगों को हुकूमत ने कई तरह की सहूलतें दी है, उन्हें कई तरह के मौके दिए गए। ये सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियों, हिम्मतों और मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान में तरक्की के लिए, हिंदुस्तान से बुराइयों को दूर करने के लिए और तमाम लोगों को इंसाफ देने के लिए बड़ी कोशिश की। आखिर 1956 को ये अजीम शख्स, ऊंचा शख्स, बड़ा काबिल शख्स इस दुनिया से रवाना हो गया। आज भी हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियों को याद करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं।